दोस्तों, तो यार मैं यहाँ पर आया था गोवर्धन पूरा घूमने, तो यहाँ पर गोवर्धन देखने आया हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है, सॉरी सूरज देखने आ रहा, ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो यहाँ पर सोचा कि ब्लॉगिंग कर लो थोड़ी बहुत। और ये देखो आप, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं गर्मी से लेकिन थोड़ी बहुत आप चलते हैं गोवर्धन के अंदर, उसके बाद आपको थोड़ी जानकारी दूंगा मैं। देख सकते हैं प्रवेश द्वार है, ये गोवर्धन का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर पैर छूटने हैं इसके। कितनी ज़्यादा भीड़ है इसके अंदर, अंदर का नज़ारा है, देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। दर्शन करके मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बड़ी मुश्किल में दर्शन हो पाया है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना ज़्यादा बड़ा है, देखिए देखो, मैं अपने बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देखो भाई बहुत ही सॉलिड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम पुराने ज़माने की फीलिंग आ रही है यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा बड़ा है ये मंदिर है, यहाँ के अंदर अभी बहुत ज़्यादा देखना बाकी है। यहाँ से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये गौ सेवा दान पात्र के लिए बनाया गया है। यहाँ पर देखते हैं ये मंदिर है, चलिए इसके बाद में देखते हैं और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद। यार यहाँ वहाँ के दर्शन करने के बाद अब चल रहे हैं हम और जगह पर, साथ कृष्ण हाँ बना लिया मैंने, किसी मूवी पर जाएंगे तो वहाँ पर बड़ी परिक्रमा थी, वहाँ पर टाइम लगता बहुत ज़्यादा, जगह घूम नहीं पाते, इसलिए अब चल रहे हैं बढ़िया जगह पर, और जगह पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कौन कौन सी जगह है, उसके बारे में ज्ञान बांटेंगे और थोड़ा बताएंगे मेरा मतलब। यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग करते इस बच्चे के लिए, थोड़ा कैब वगैरह खरीद लेंगे भाई। यहाँ पर मथुरा में आने के बाद ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में आ गए एकदम, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। जैसे कि एक आपको ये बिल्डिंग दिखाता हूँ, बिल्डिंग नहीं सॉरी, ये कोई भवन है, धर्मशाला है, एकदम बहुत अच्छी दिख रही है सर, व्यू अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। वहाँ पर देखिए पीछे मेरे घर वाले हैं, क्योंकि इस बच्चे के लिए टोपी खरीद रहे हैं चांद के लिए, गर्मी बहुत पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो आगे चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं बड़ी बड़ी चीज़ें। अब आ चुके हम राधा रानी के मंदिर पर, यहाँ पर देखते हैं कैसा है। यहाँ पर देख रहे हो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा राधा रानी का मंदिर, जहाँ पर हमें चढ़ाई करनी है, करीबन करीब बताई जा रही है 101 सीढ़ी है यहाँ पर, ये पूरी चढ़ाई। ये देखिए ये कार वगैरह खड़े हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, ये चढ़ाई करनी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, घामनी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। आप देखते हैं सीढ़ियों पर चलते हैं, उसके बाद देखिए देख रहे हो ना कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। देखिए खान पीन की भी पूरी पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, और उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से चढ़ाई होने शुरू हो गई है, गाइस बहुत ज़्यादा चढ़ाई लग रही है, 101 सीढ़ी बताई जा रही है। और देखो यहाँ से लोग लौटते हुए आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा चढ़ाई है, आप देखते हैं वहाँ से लोग आते हैं लौटते हुए, और देखो ये कितना मस्त व्यू आ रहा है इस पर। और देखिए पीछे ही आपको दिखाता हूँ कितनी ऊँचाई है यहाँ पर, देखिए बहुत ज़्यादा है, लोग थक जाते हैं,
101 सीढ़ी तो अभी और चढ़नी है, तो चढ़ाई है सिर्फ। भाई यार अभी से थक गया मैं तो, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। ये देखिए पूरा जंगल है। मैं तो वीडियो बना तो यार मैं आपको देखो वहाँ पर ये टर्न आया है, यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा मिलता है। और ये देखो पूरा शहर दिखता है यहाँ से, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से, इतना ज़्यादा रोमांचक व्यू है, मज़ा आ गया इसको देख कर। तो ऊपर चलते हैं, पाँच मिनट बाद दर्शन बंद हो जाएंगे, जल्दी जाना रेस लगा के। बस जा ही रहे हैं, चार गाइस आ चुके हैं यहाँ पर मंदिर की ओर। इतनी ऊंचाई करने के बाद, चढ़ाई करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोग वहाँ जा रहे हैं। देखो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, देखो वहाँ पर आवाज़ आ रही होगी आपको। ये छोटा मोटा मेला सा लग रहा है यहाँ पर, देखो फाइनली वो मंदिर आ चुका है यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। इतनी दूर से काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है चढ़ने में, तो देख सकते हैं गाइस आप। चलो मैं भाग के जाता हूँ। फिर मिलते हैं मंदिर के अंदर। यार ये आज का मंदिर देखिए यहाँ पर, ये श्री राधा रानी का मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं। ये सुरेश द्वार ये मंदिर, मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। देखिए ये बना हुआ है पूरा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी खैर ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर, ये प्रवेश द्वार पर यहाँ पर जूते चप्पल उतारे जा रहे हैं। यहाँ से मेरी फैमिली है यहाँ पर। तो गाइस यार मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा ऊंचा है, दोनों रास्ते बंद होगा। देखिए गाइस कितना ज़्यादा ऊंचा है, कितना बढ़िया मौसम लग रहा है। देखो वो देखो वो कोई सुंदर है जो आपको दूर दिख रहा होगा। तो गाइस यार देखिए ये है मंदिर के अंदर का व्यू, साथ यहाँ पर सीसीटीवी का भी कैमरा लगाया है, तो कैमरा अंदर जाने नहीं देंगे इसलिए फोन ऑफ करना पड़ेगा मेरे को। गाइस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, क्या हो गया तो आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कितना ऊंचा है। देखिए यहाँ से पहाड़, इतने सारे पहाड़ है यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है ये। ये मंदिर बंद हो चुका है तो भीड़ भी कम हो गई है, सारे लौट गए मेरे घर वाले भी पीछे। यार यहाँ पर दर्शन तो मिले नहीं हमको क्योंकि मंदिर बंद हो चुका है, तो आप देखते हैं यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं। वहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो चलते हैं भाई देखते हैं अब कहाँ पर जाएगा गाड़ी वगैरह, तो वहीं पर जाएंगे हम घूमने। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, चलते हैं।